हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एपिक्योर रेसिपीज में स्वागत है। गर्मियों का सीजन आ गया है और अचार बनाने का मौसम भी आ गया है, तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कच्ची केरी का अचार। केरी का अचार बनाने के लिए आम चीनी से आम को 4 से 5 पीस में कट करके रख लिए हैं। आप चाहें तो कटे हुए केरी भी मार्केट से लाकर अचार बना सकते हैं, जिससे आपकी सुविधा हो। अब इसे पानी से धोकर पंखे में या छांव में 4 से 5 घंटे के लिए सुखाने के लिए रख देंगे। पानी बिल्कुल भी केरी पर लगा नहीं रहना चाहिए, वरना तो अचार हमारा खराब हो सकता है। तो आप देख सकते हैं, इसे मैंने 4 से 5 घंटे सुखाने के लिए रख दिए थे और ये अच्छे से सूखकर तैयार हो गई है। अब सरसों का 1 लीटर तेल हम भगोने में गर्म करने के लिए लेंगे। इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हींग पाउडर डालेंगे और तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसे हम गैस को बंद करके ठंडा होने के लिए हल्का रखेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून मंगरेल, 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून मेथी दाना लेंगे और इनको तवे पर हल्का से सुनहरे होने तक भुनेंगे। जैसे ही हल्का सुनहरा हो जाएगा, हम इसे उतार के एक प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर अचार बनाने के लिए मैंने मार्केट से लाया हुआ 2 पैकेट का अचार मसाला यूज़ किया है। आप घर पर भी मसाला बना सकते हैं, जिससे यहाँ पर जो टेस्ट आएगा वो बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा। अब एक बर्तन में हमने जो सूखी हुई केरी रखी थी वो लेंगे। इसमें हम सरसों का तेल मिलाएंगे अच्छे से। तेल अच्छे से मिला देंगे सभी केरी में। इसके बाद हम सौंफ, मंगरेल, मेथी दाना मिलाएंगे। इसमें हम अचार मसाला जो हमने रखा था वो मिलाएंगे। सभी को अच्छे से मिलाना है ताकि सभी केरी में अच्छे से मसाला लग सके। इसमें 2 टेबल स्पून हम नमक मिलाएंगे। स्वाद अनुसार ही नमक मिलाना है, आपको ज़्यादा नमक नहीं यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि कम नमक ही खाने में अच्छा लगता है। कांच की बर्नी या प्लास्टिक के डब्बे में आप ये मसाला जो अचार का बनाया है हमने, इसको भर कर रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने प्लास्टिक का डब्बा यूज़ किया है। इसके अंदर प्लास्टिक के डब्बे में अचार रखने से पहले 2 टेबल स्पून हम नमक डालेंगे, ताकि हमारा जो मसाला है अचार का वो ख़राब नहीं हो। अब इसमें हम अचार डालना शुरू करेंगे। केरी के डब्बे में अचार हम धीरे धीरे करके मिलाएंगे। हमने अचार बंद सब भर के रख दिया है, अब इसे हम बंद करके रख देंगे। ये हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। अब इसे गलने के लिए हम 3 से 4 दिन के लिए धूप में इसको अचार को हम रखेंगे, ताकि जो हमारा अचार है वो अच्छे से गल जाए। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अचार अपने खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी गीले बर्तन से अचार को नहीं निकालना है। और अचार में अगर कभी तेल कम लगे आपको, तो आपको हमेशा तेल को गर्म करके ही उसमें मिलाना है। इस प्रकार हमारा अचार कभी भी खराब नहीं होगा और साल भर तक हमारा अचार चलेगा। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।